हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छे तरीक़ों से आप लोग का पढ़ाई भी चल रहा होगा। हम लोग आज है इस इंग्लिश ग्रामर की वीडियो सीरीज़ में, तो इंग्लिश ग्रामर की वीडियो सीरीज़ में हम लोग का चल रहा है वाइस। वाइस में पहला क्लास हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें एक टेंस कवर हो चुका है। आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड सेंटेंसेस के बारे में। क्लियर? तो यदि हम लोग इस बॉक्स में हैं, इस टेंस में हम लोग का रहेगा, तब उसका पेसी वाइज का स्ट्रक्चर जो हो जाएगा कैसा होगा? ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का इज एम आर प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इस तरीके से हो जाएगा हम लोग का स्ट्रक्चर। ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। क्लियर है? ये है स्ट्रक्चर इसका। अब हम लोग को क्या करना है, जो एग्जाम्पल्स है उसको इसी स्ट्रक्चर के थ्रू करके देखते हैं कि इसको कैसे करना है। लाइक हमारे पास क्या है, कोई एग्जाम्पल्स हो इस सेंटेंस का, इस टेंस का। तो एक्टिव वॉइस में राम इज गोइंग टू टेम्पल। इस तरीका से हम लोग के पास है, राम इज गोइंग टू टेम्पल। तब इसको कैसे करना है ये देखो, इसका पेसी वाइज बनाएंगे तो फोकस किस पे करना है, इसके स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हम लोग इसका क्या कर पाएंगे, फॉर्मेशन कर पाएंगे पेसी वाइज में। तो देखो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखना, इसमें ऑब्जेक्ट क्या सबको आइडेंटिफाई करना सीखना आप लोग को बहुत जरूरी है ना। क्या क्या, ये तो सब्जेक्ट हो गया, जाना वर्ब हो गया, और ये क्या है हम लोग का टेम्पल, क्या है ऑब्जेक्ट। इसको आप लोग आइडेंटिफाई करना सीख ही जाओ जितना जल्दी हो सके। अब देख लेते पेसी वाइज, इसका पेसी वाइज कैसे बनेगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या हम लोग का टेम्पल, तो टेम्पल। फिर एक मंदिर की बात हो रहा, देखो इज एम आर तीनों हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक आएगा, और एक मंदिर की बात हो रहा है इसलिए यहां पर आएगा इज, और इज के साथ लगेगा बीइंग, टेम्पल इज बीइंग। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गो वेन गॉन, क्या होता है, गॉन। टेम्पल इज गॉन, टेम्पल इज बीइंग गॉन, फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सॉरी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह क्या आ जाएगा, राम। इस तरीके से कर लेना है आप लोग को इसको, टेम्पल इज बीइंग गॉन बाय मी, ये हो जाएगा इसका। अगर दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं एक्टिव वॉइस, जैसे आई एम क्लीनिंग द फ्लोर, ठीक है, आई एम क्लीनिंग द फ्लोर। मे बी ऐसा हम लोग के पास एक्टिव वॉइस रहा, आया हम लोग का एक्टिव वॉइस में, और इसको एग्जाम में बोले कि चेंज इनटू पेसी वॉइस। तब कैसे करना है, इसका पेसी वॉइस करने के लिए हम लोग के पास स्ट्रक्चर है, क्या हो जाएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेना है, तो द फ्लोर इज, द फ्लोर इज, फिर इसके बाद क्या लगेगा, बीइंग क्लीनिंग, क्लीन का थर्ड फॉर्म हो जाएगा क्लीन्ड, क्लीन्ड बाय, और आई का क्या हो जाता है, मी। इस तरीके से कर लेना है आप लोग को। क्लियर है? दो इस हम लोग देख लिए अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब आप लोग को इसमें आइडेंटिफाई करके ही करना है ना, जैसे ये इसको टेंस को देखोगे आप लोग, एक्टिव वाइज कौन सा टेंस है, उस टेंस के अकॉर्डिंग ही हम लोग का पेसी वाइज का रूल लगेगा। क्योंकि अगर हम लोग सिंपल प्रेजेंट सिंपल पहले देख चुके हैं, प्रेजेंट सिंपल में उसका पहचान आइडेंटिफिकेशन अलग था, इसमें क्या होता है ये कंटिन्यूअस करके कैसे पता चलता है, अगर आई एन जी हो और इज एम आर लगा हो तब वो आई एन जी इस वाले फॉर्म में होता है, कंटिन्यूअस फॉर्म में है ना। अगर कंटिन्यूअस फॉर्म में हो ऐसा इसका हो अफर मतलब इसमें सेंटेंस, तो उसका पेसी वाइज ऐसा बनाएंगे इस वाले स्ट्रक्चर से। क्लियर है? आप लोग को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा।
अब हम लोग क्या करते हैं, एक नेगेटिव सेंटेंसेस का देख लेते हैं जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाए इसका पूरा कैसे करना है ना। एक्टिव वॉइस में अगर नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं तो कोई ले लेते हैं जैसे यू आर नॉट, नेगेटिव हो गया, आर के बाद नॉट लग गया, तो यू आर नॉट सिंगिंग अ लवली सॉन्ग। ठीक है, यू आर नॉट सिंगिंग अ लवली सॉन्ग, ठीक है, तुम अच्छा गाना नहीं गा रही हो, इसका है हिंदी। ठीक है, इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है पेशी वाइज में, तो इसका पेशी वाइज हो जाएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेना, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ये इतना ऑब्जेक्ट हो जाएगा अ लवली सॉन्ग। ठीक है, अ लवली सॉन्ग, फिर अ लवली सॉन्ग इज ए मार, तीनों में से क्या आएगा, इसके अकॉर्डिंग हम लोग का हेल्पिंग वर्ब लगेगा ना, तो तीनों में से क्या आएगा, अ एक सॉन्ग के बारे में बात हो रहा है, एक गाने की बारे में बात हो रहा है, तो इज लगेगा, अ सॉन्ग अ लवली सॉन्ग इज, फिर नेगेटिव है तो इसका भी नेगेटिव करना पड़ेगा, नॉट लगाना ही पड़ेगा इसमें, अ लवली सॉन्ग इज नॉट बींग संग, सिंग का थर्ड फॉर्म, सिंगिंग लिखा है तो सिंग का थर्ड फॉर्म हो जाता है संग बाई यू का यू, इस तरीके से बन जाएगा इसका पेशी वाइस। क्लियर है, तो अब आगे देखते हैं हम लोग कुछ और एग्जांपल्स जिससे आप लोग का ये पेशी वाइज बनाना कन्फर्म हो जाए, 100% फिक्स हो जाए, है ना। तो देखते हैं, पहला दिया है दे आर मेकिंग स्वीट्स, दे आर मेकिंग स्वीट्स दिया है, तो इसको हम लोग को बनाना है पेशी वाइज, टेंस तो पहचानना आप लोग को आना ही चाहिए, उसके लिए आप लोग क्या करो, पूरे एक्टिव वाइज का जो टेंस है पढ़े हम लोग, उसको जो उसका स्ट्रक्चर होता है उसके चार्ट बना करके उसको आप लोग इजिली याद कर लो, जिससे आप लोग आइडेंटिफाई कर सको। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या रखना है हम लोग को, ऑब्जेक्ट रखना है, ऑब्जेक्ट क्या हम लोग का स्विच, तो स्विट्स हो गया, स्विट्स के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है इज एमआर, तीनों में से कोई एक ही आएगा, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या आ जाएगा, स्वीट्स है मतलब बहुत सारे मिठाई के बारे में बात हो रहा है, तो क्या आएगा आर स्वीट्स आर, फिर आ जाएगा बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है मेकिंग का मैक्ड, फिर बाई दे का देम, ये हो जाएगा इसका पेशी वाइस। क्लियर यहां तक, फिर आगे दिया है आई एम राइटिंग अ लेटर, नेक्स्ट वन क्या है आई एम राइटिंग अ लेटर, तो इसको भी कर देते हैं पेशी वाइस में बदलने के लिए, ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखना है, तो क्या आएगा ऑब्जेक्ट अ लेटर, अ लेटर, फिर क्या लगाना इज एम आर, एक लीटर की बारे में बात हो रहा है, तो क्या आएगा इज, फिर वर्ब का इसके बाद क्या आएगा बींग, बींग, फिर क्या आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट का रिटर्न हो जाएगा, फिर बाय और आई का मी हो जाएगा। क्लियर, इस तरीके से आप लोग को कर लेना है। नेक्स्ट वन है आई एम राइटिंग लेटर्स, आई एम राइटिंग लेटर्स दिया हुआ है, देखो इसमें एक चेंजेस है, इस क्वेश्चन में इसमें लेटर लिखा और इसमें लेटर्स लिखा हुआ है, तब देखो इसका पेशी वाइज में क्या चेंजेस आता है, तो आ जाएगा लेटर्स, इसमें आएगा लेटर्स, अब ये लेटर्स मतलब बहुत सारे लेटर्स की बारे में बात हो रही है, एक बहुवचन है, तब इसके साथ लग जाएगा लेटर के साथ आ जाएगा आर, लेटर्स आर, हुआ क्लियर यहां तक, फिर बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटर्न बाय आई का मी हो जाए, इस तरीके से बन जाएगा ये। क्लियर है, नेक्स्ट वन है आर यू ईटिंग मैंगो, आर यू ईटिंग मैंगो, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम लोग का इसका पेशी वाइज वो इंट्रो पेशी वाइज भी किस में बनाना पड़ेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही बनाना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम लोग का हेल्पिंग वर्ब सामने आना चाहिए, तो पहले सोच लो कि मैंगो के साथ क्या आने वाला है, एक आम के बारे में बात हो रहा है तो वहां सिर्फ इज आएगा, तो इज,
फिर मैंगो हुआ, ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब तो पहले लिख दिए, फिर बीइंग, देन क्या आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें ईटिंग, तो ईटन, फिर बाई यू का यू, देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। नेक्स्ट वन है आई एम नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर, आई एम नॉट रीडिंग, सॉरी एम आई नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर है, तब इसमें क्या है एक निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसका पेसिव वाइज भी निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनना चाहिए। तो न्यूज़पेपर के बारे में बात हो रहा है तो इज सामने आएगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक, इसमें इज लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट क्या है न्यूज़पेपर, और इसके बाद क्या लगे, इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा था तो हम भी हम लोग का किसके बाद नॉट लगेगा ऑब्जेक्ट के बाद, न्यूज़पेपर नॉट, क्लियर है, इज न्यूज़पेपर नॉट, फिर क्या आ जाएगा बीइंग, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या है रीड का, रीड बाय आई का मी हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क, क्लियर है, इस तरीके से बनेगा इसका। अगला दिया हुआ है राम इज नॉट कमिंग टू माई होम, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, तो इसको भी हम लोग को नेगेटिव ही बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट लिया सबसे पहले क्या है माई होम, ऑब्जेक्ट आ गया, इसके बाद क्या लगेगा इज, क्योंकि एक घर के बारे में बात हो रहा है ना, इज नॉट है तो नॉट कम का सेकेंड फॉर्म, नॉट बीइंग कम बाई राम, इस तरीके से हो जाएगा ये सेंटेंस, ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा ये सेंटेंसेस, जिससे आप लोग और भी बना सकते हैं, तो आप लोग को और भी प्रैक्टिस करना है जिससे आप लोग एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो पाओ, ठीक है। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप लोग को इसके अपडेट बहुत जल्दी और आसानी से मिलती रहे।